हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं एक नया पाठ सुनाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है भगदड़। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। दोनों में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। एक बुढ़िया थी, वो चला रही थी चक्की। चक्की जिसमें गेहूं पीसते हैं ना, उसे क्या बोलेंगे, चक्की। तो बुढ़िया चक्की चला रही थी और वो कितने वर्ष की थी, पूरे 60 वर्ष की थी। दोनों में दोने में थी रखी मिठाई। दोने मतलब एक कागज़ का जो बाउल होता है उसे क्या बोलेंगे, दोने। तो दोनों में थी, दोने में थी रखी, उसने मिठाई रखी थी उसमें। उस पर उड़कर मक्खी आई। वो दोने दोने में जो मिठाई रखी थी उसमें आकर मक्खी बैठ गई। आपको पता ही होगा ना, कोई भी मीठी चीज़ होती है तो उस पर कौन बैठता है, मक्खी बैठती है। बुढ़िया बाज उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। तो फिर बुढ़िया थी वो क्या, बाज। बाज मतलब एक लकड़ी, बाम्बू जैसी एक लकड़ी आती है उसे क्या बोलेंगे, बाज। तो उठाकर वो दौड़ी और बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। फिर वो जो बाहर आई बाँस उठा के, तो बाँस उठाई तो उसके घर में कौन अंदर चला गया, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। वो बाहर आई और बिल्ली अंदर जाके पकौड़ी खाने लगी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, फिर वापस वो घर के अंदर गई। क्यों घर को, फिर बिल्ली को भगाने के लिए वो घर के अंदर गई। तो कुत्ता भागा रोटी लेकर, उतने में तो बाहर जो रोटी पड़ी थी वो कुत्ता लेकर भाग गया। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। जब वो कुत्ता बाहर रोटी लेकर भाग रहा था, तो बुढ़िया वापस घर से बाहर आई घुसो कुत्ते को पकड़ने के लिए। तो फिर बाहर आई तो बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। जो बकरा था वो जब बाहर आ गई तो बकरा अंदर घुस गया घर के अंदर, भीतर मतलब अंदर। बुढ़िया चली, गिर गया मटका। तो बुढ़िया जब चल रही थी तब बाजू में जो मटका पड़ा हुआ था, जो मिट्टी का मटका होता है, वो मटका पड़ा होता वो गिर गया। तब तक वह बकरा भी सटका, उतने में तो जो बकरा था वो भी वहाँ से सटक गया। सटक गया मतलब वहाँ से भाग गया। क्यों, क्योंकि उसको लगा कि देखो कोई आ रहा है, उसे मटके के गिरने की आवाज़ सुनी, इसलिए वो उसे पता चल गया कि कोई आ रहा है, इसलिए वो भी सटक गया वहाँ से। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। फिर बुढ़िया थक गई, सबको देखो सारे जो जो जानवर आए थे उसे घर के अंदर, फिर उसको पकड़ने गई, तो उसने उतने में वो थक गई। तो फिर एंड में वो थक के मतलब क्या हो गई, निराश हो गई। तो उसने फिर जो अपना घर है वो किसको दे दिया, बिल्ली को ही सौंप दिया। सौंप दिया मतलब सौंप देना, मतलब किसी के हवाले कर देना। तो ये जो बुढ़िया थी अंत में बिल्ली को अपना घर सौंप दिया। तो आपको इसमें क्या बताया है, ये स्टोरी में सबसे पहले जो बुढ़िया थी वो क्या कर रही थी, चक्की में चक्की चला रही थी। वो कितने वर्ष की थी, 60 वर्ष की थी। उसने दोने में क्या रखा था, मिठाई रखी थी। और मिठाई पे कौन आया, मक्खी उड़कर बैठ गई। बुढ़िया बाँस उठाकर दौड़ी, मक्खी को भगाने के लिए बुढ़िया बाँस की लकड़ी उठाकर दौड़ी। बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, उतने में बिल्ली अंदर गई और क्या खाने लगी, पकौड़ी खाने लगी। फिर जब वो चपटी बुढ़िया घर के अंदर फिर अंदर गई बिल्ली को भगाने के लिए, तो उतने में कुत्ता बाहर आके रोटी लेकर भाग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जब वापस बुढ़िया घर के बाहर निकल रही कुत्ते को भगाने के लिए, उतने में जो बकरा था वो घर के अंदर घुस गया। फिर जो बुढ़िया चली, गिर गया मटका। फिर बुढ़िया वापस घर के अंदर जब जा रही थी तो मटका गिर गया, बाजू में जो मटका पड़ा था वो गिर गया। और बकरा, उसको पता चल गया कि कोई आ रहा है, तो वो भी वहाँ से सटक गया। फिर एंड में जब बुढ़िया थक गई सभी जानवरों को भगाते भगाते, तो एंड में उसने किसको घर सौंप दिया, बिल्ली को अपना घर सौंप दिया। ओके बच्चों, बाय बाय।